जिस गाने ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और जिसको आपने सबसे ज़्यादा प्यार दिया था, वो उसकी कुछ लाइनें। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझ जो बहेंगे तेरे आंसू तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी ये सीता वाला मोमेंट था। यंग जनरेशन के लिए, अच्छा वैसे तो मैं पुराने गानों की बड़ी शौकीन रही हूँ, गाती भी वही हूँ, किशोरदा, रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, लेकिन नए में ऐसा नहीं है, मैं नए गाने नहीं गाती। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अरिजीत सिंह, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अरिजीत सिंह को सुनना, और साथ ही साथ श्रेया घोषाल मेरी बहुत बहुत बड़ी आइडल रही हैं और बहुत सालों से रही हैं, और मैंने बहुत बहुत ज़्यादा फॉलो किया है श्रेया घोषाल जी को। वेरी नाइस क्वेश्चन। ये जनरली ना सब लोग ये सोचते हैं कि परफॉर्मेंस को बड़ा दिखाना है और उसके लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में पहली बार मैंने विटनेस किया कि ऐसे भी एक सिंगिंग का परफॉर्मेंस या सिंगर का परफॉर्मेंस डिलीवर किया जा सकता है ऑडियंस तक। तो ये चीज़ ना मेरे लिए भी पहला नया नया एक्सपीरियंस था कि हमको कोरियोग्राफी सिखाई जा रही है, फिर हमको थोड़ा डांस मूव सिखाए जा रहे हैं, और लिटरली हमारे पास कोरियोग्राफर्स होते हैं और कई तरह के प्रॉप्स बनते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट इज़ सो गुड, क्योंकि जैसे हमें ना हिंदुस्तानी शास्त्रीय उसमें भी पढ़ाया जाता है कि संगीत, नृत्य, गायन और नाटक, ये तीन चीज़ों से मिलकर संगीत बनता है। तो यहाँ पे आके हमने तीनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन यू नो परफॉर्म करना सीखा, और पहली बार सीखा, ऐसा हर रियलिटी शो या हर जगह नहीं होता है। तो येस, इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस मेरे लिए कि हमने यहाँ इस शो पर आकर ना सिर्फ जीता बल्कि सीखा भी बहुत कुछ।